सभी को नमस्कार। यहाँ कुछ दिलचस्प होने वाला है, लेकिन पहले हम एमा और मिरांडा को यहाँ बुलाएंगे। अब हम निश्चित रूप से तैयार हैं। एमा आगे बढ़ो, जैसा तुम कहो। इसके अलावा मैंने पहले ही उपयुक्त बटन चुन लिया है। वाह, इसके पीछे वास्तव में कुछ गर्म है, तीखी मिर्च। मुझे लगता नहीं कि ये तुम्हें पसंद आएगा, लेकिन बदलने के लिए कुछ भी नहीं है, चुनाव हो चुका है। यह क्या है? अरे नहीं, ये वास्तव में मिर्च है। बस हो गया, वो मुझे नहीं चाहिए था। अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, तुम इसे खा सकती हो। मुझे लगता नहीं कि एक अच्छा विचार है, लेकिन वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं है। खैर, मुझे लग रहा है कि यहाँ गर्मी हो रही है। कितना भयानक, मैं जल रही हूँ। खैर, तुमने कर लिया, बहुत बढ़िया। मिरांडा, तुम कैसी हो? मैंने बटन चुन भी लिया है। बहुत बढ़िया, मुझे लगता ही वह एक इनाम की हकदार है। चॉकलेट के बारे में क्या ख्याल है? ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, मैं रुक नहीं सकता। मैं इसे अपने मुंह में डालना चाहता हूँ। ए, क्या तुम गलती से कुछ भूल गए हो? खैर, मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा। यह चॉकलेट तुम्हारी है, इसे वापस देना होगा। यह लो। ओह, मेरा सेब। ये क्या है? वाह, चॉकलेट। कितना अच्छा सरप्राइज, मैंने सही चुनाव किया है। मेरे अंतर्ज्ञान ने मुझे निराश नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आता यहाँ इतनी गर्मी क्यों है। ओ, थर्मामीटर भी नहीं माप रहा है, चॉकलेट भी पिघलने लगी है। क्या हो रहा है? एयर कंडीशनर चालू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मिरांडा, अभी थोड़ा सा बाकी है, ये भी तुम्हारा है। यह क्या है? ये बिल्कुल चॉकलेट जैसा नहीं दिखता है। मेरी आंखें, मैं कुछ नहीं देख पा रही। ये तुमने अच्छा नहीं किया। लगता है उसे पसंद नहीं आया। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, ये सब एमा की वजह से है। वो जल रही है, हमें तुरंत कुछ करने की जरूरत है। मुझे पानी कहाँ से मिल सकता है? मुझे याद आया, एक बाल्टी थी। मुझे आशा है कि आग बुझाने के लिए काफी है। पानी आखिरकार। वाह, कितना अच्छा, मुझे बहुत आराम लग रहा है। किस्मत से सब कुछ ठीक से खत्म हुआ। यह दूसरे दौर का समय है। मिरांडा, चलो तुम्हारे साथ शुरू करते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयार हूँ। वाह, तुम बहुत बहादुर हो। मुझे नहीं पता कि इन ब्यूटी गैजेट्स का क्या करना है। आशा है कि तुम इसका पता लगा लोगी। वाह, कितनी सारी चीजें, बहुत बढ़िया। यहाँ कुछ और है, इसे जल्दी से फेंको, मैं इसे पकड़ रही हूँ। वाह, यह कॉस्मेटिक्स के साथ एक सूटकेस है। मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। कितना अच्छा आई शेडो, कितना सुंदर रंग, अद्भुत। यह हाथ में ब्रश लेकर मेकअप करने का समय है। मुझे यकीन है कि मैं बहुत खूबसूरत दिखूंगी। मेरी त्वचा एकदम चमकदार हो जाएगी। खैर, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं एमा के पास जाऊंगा। तुम कैसी हो? सब कुछ ठीक है, मैंने पहले ही अपनी पसंद बना ली है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे खुशी है हम बिना देर किए जारी रख सकते हैं। अगला अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट पॉपसिकल है, तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। इतनी ठंड क्यों है? वहाँ क्या है? क्या वाकई बर्फ है? वाह, यह आइसक्रीम है, मुझे यह पसंद है। कितना अच्छा है कि मुझे इतने सारे मिले हैं। मैं सब कुछ खाने के लिए तैयार हूँ। अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट, धन्यवाद, मैं रुक नहीं सकती। लग रहा है कि बस खाते ही रहूं। ओह एमा, तुम्हें थोड़ा और ध्यान से खाना चाहिए। जब खाने की बात हो तो शिष्टाचार की किसे परी है। ओह, मुझे बहुत ठंड लग रही है, शायद किसी के पास कंबल हो। हीटिंग चालू करो प्लीज, शायद ऐसा करने के लिए कोई बटन दबाना होगा। तुम क्या कर रही हो एमा? इस तरह तुम सब कुछ तोड़ दोगी। मिरांडा, जल्दी से मेरी मदद करो। क्या हुआ? ओह, हेयर ड्रायर। क्या मैं इसे कुछ समय के लिए उधार ले सकता हूँ? क्यों? सारे सवाल बाद में, और मुझे एमा को गर्म करने की जरूरत है। मैं फिर से हिल सकती हूँ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरी आइसक्रीम पिघल गई। अरे नहीं, यह अच्छा नहीं है। तुम्हें बदलना नामुमकिन है एमा, तुम हर समय खाने के बारे में सोचती हो। तुम मुझे मेरा हेयर ड्रायर क्यों नहीं लौटा देते? मैं देख रहा हूँ कि तुम एक नए दौर के लिए तैयार हो, चलो देर मत करो, मैं बटन दबा रही हूँ, चलो शुरू करें। जैसी तुम्हारी मर्जी मिरांडा।
मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। शुरू करने से पहले हमें प्रोटेक्टिव सूट पहनने की जरूरत है। यहाँ इसकी जरूरत होगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। यह सही है, अब तुम शुरू कर सकती हो। ये ईंटें भारी हैं, मैं उन्हें मुश्किल से उठा पा रहा हूँ। ओह, चोट लग गई। वो क्या था? माफ करना, मैंने गलती से एक ईंट गिरा दी है। अब बाकी सबको पकड़ लो। ओह, कितना दर्द हो रहा है। बस बहुत हो गया। मेरी आंखों के सामने तारे घूम रहे हैं, सब कुछ तैर रहा है। ईंटें? मुझे इतनी ईंटों की जरूरत क्यों है? यदि तुम्हारे पास सीमेंट और स्पैचुला होगा तो तुम कुछ बना सकती हो। मुझे लगता है तुम खुद ही तय करो कि वह क्या होगा। मैं तुम्हें लिमिट नहीं करूंगा। लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं बनाया है। मैं यह भी नहीं जानती कि इसे कैसे शुरू करना है। यह अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि मुझे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिला है। चलो शुरू करें। मुझे यकीन है कि एक भव्य संरचना होगी। मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। वाह, यह बहुत रोमांचक है। मुझे नहीं पता था कि इतना मजेदार होगा। मेरे पास पहले से पूरी दीवार है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था कि तुम यह कर सकती हो। अच्छा, मुझे जाना होगा। क्या सच में मेरी बारी है? इतनी जल्दी? ठीक है, मैं यह बटन दबा दूंगी। बढ़िया एमा, मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ दिलचस्प है। करीब आओ, जल्दी करो, अनलोड करो जल्दी। वहाँ क्या है? यह अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि मेरी टी शर्ट के नीचे एक टन बालू है। बहुत बढ़िया। ठीक है, बाय बाय। अब केवल एमा को टूल्स देना बाकी है और मेरा काम पूरा हो गया। और मुझे इन सब का क्या करना है? अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। इसे पकड़ो, ये बच्चों की चीजें हैं। समझ गई। मैं सैंड बॉक्स में खेल सकती हूँ। धन्यवाद, मुझे लगता है ये बहुत मजेदार होगा। बहुत दिनों से मैंने बालू से कुछ बनाया नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद था। ओ हाँ, देखो ये कितना अच्छा निकला। अरे वाह, एक पूरा महल। यह कमाल का लग रहा है। और यह क्या है? तुम्हें मेरा कंस्ट्रक्शन कैसा लगा? मैंने काफी कोशिश की है। मैं करीब से देखना चाहता हूँ। बस हो गया, मैंने कर लिया। ऐसा लगता है कि एक ईंट जगह से बाहर है। मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ये तुमने क्या कर दिया? अब सब कुछ गिर जाएगा। माफ करना, मैं बस मदद करना चाहता था। धन्यवाद। अच्छा, मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। एक दो और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनारे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूँ? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है, मैं बॉस हूँ। और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भून कर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूं? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इसे खाऊंगा। ओह,
कितना तीखा, मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट, मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। होले, मैं जीत गई, मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान, हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेज को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ। और अब अंडा, ओह, छिलका गिर गया है, शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से ये और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है, मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो, इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ, हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो, और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है, हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है। इस तरह से, और अब यह अंडे का समय है, एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ, और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार, बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार, हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ, मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है। और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओ मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा? ये थोड़ा मुश्किल होगा, पर इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही, यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है, केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब यह पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं। और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। यह कितना भयानक है, काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है, टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं।
और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे या अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ यह, ओह यह वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था। ओह चलो, मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान, मैं आज को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया, और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि यह जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए। इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह गमी पिघल गया है। हाँ किसने ऐसा सोचा था। अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ। और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ यह अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूट्रेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया, देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत, तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब, इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है। बढ़िया, लेकिन दादी जीत गई। हुर्रे! हाँ, देखो इस बार कोला मिला है। हाँ अच्छा है। अच्छा ये तो कमाल का है। क्या तुमने देखा मुझे कितने कैन मिले हैं। हाँ मैंने देखा, पर मुझे भी एक बड़ा बोतल मिला है, लेकिन मेरा बोतल तो छोटा है। उफ, कोई बात नहीं, अगली बार किस्मत तुम्हारा साथ देगी, तुम उस छोटे चीज का मजा लो। कितने गंदे हैं। ठीक है अब बातें बंद करो और शुरू करते हैं। अरे मुझे तो बहुत प्यास लगी है। ओह अगली बार ध्यान से, मुझे चोट लग गई। पर तुम पीना जारी रखो। हाँ मुझे तो अब कोई नहीं रोक सकता। अरे उसने कहा ना ध्यान से। मैं बस इतने सारे कोला के साथ बहुत खुश हूँ। हाँ क्योंकि यह है ही इतना बढ़िया। हाँ हाँ बहुत बढ़िया है। इथन बाय बाय। क्या मैं कहाँ जा रहा हूँ, कोई मदद करो, कोई मुझे नीचे लाओ। नहीं तुम उधर ही रहो, और तब तक मुझे कोला चुराने का सही मौका मिल गया। कितना अच्छा। क्या वो खाली कैसे हो गए, कोला कहाँ गया। मैंने नहीं किया। तुमने हिम्मत कैसे की, इससे और बुरी चीज मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। और मेरा कोला किसी ने चुरा लिया, और यह सब मैं नहीं किया है, तो अब किस्मत ने किसका साथ नहीं दिया। अरे वाह यह तो पूरा लंच है, मेरा फेवरेट KFC। मुझे इसका चिकन बहुत पसंद है, और मुझे यह तब पसंद आता है जब बहुत सारा चिकन हो।
बहुत सारा चिकन, किसे नहीं पसंद होगा, पर मुझे सबसे कम क्यों मिला है? कोई बात नहीं यार, और मुझे भी जूलिया से कम मिला है, ये सही नहीं है। ठीक है, जो भी हो शुरू करते हैं। कम है पर बहुत स्वादिष्ट है, कुछ नहीं मिलने से तो अच्छा ही है। ओ, अब तो मुझे भी बहुत भूख लग गई है। यह चिकन तो कमाल का होता है। स्वादिष्ट तो यह था पर मेरा पेट बिल्कुल नहीं भरा। ओह, लगता है इथन के पास और है। दूर हो जाओ, यह सिर्फ मेरा है। इथन के पास उतना ज्यादा नहीं है, असली पहाड़ तो यहाँ मेरे पास है। एक पूरा पहाड़? तब तो अगर मैं थोड़े ले लूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया? खाने को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा तो चलो, जूलिया को अब लगने दो कि तुमने सब चुराया है। ये लो, खाओ खाओ। ठीक है। अरे, सारा चिकन कहाँ गया? इथन ने ले लिया, देखो उसके पास हड्डी है। ओह, तुम चोर हो। ओह बेचारा इथन। देखो कितने सारे फ्राइज हैं। नहीं, मुझे उतना नहीं मिला, बस एक छोटा सा हिस्सा। मेरे पास उससे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मुझे तीखा सॉस भी मिला है। सॉस? ओह, मेरा तो कुछ भी नहीं होगा। मेरा वाला तो सबसे तीखा होगा। प्लीज तुम जाओ, मैं शुरू नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, मैं पहले जाती हूँ। मुझे लगता है मैं गलत थी। यह सॉस बहुत ही तीखा है। बस मैं तो चला। बैठ जाओ, अब मैं तुम्हें साबित करती हूँ कि यह उतना तीखा नहीं है। चलो, या शायद मैं यह नहीं साबित करूंगी। क्या है यह? मैं जल रही हूँ। अरे ध्यान से। बच गए। चलो इथन, अब तुम्हारी बारी है। अरे नहीं, पर एकदम ऊपर तक कैसे पहुँचूंगा? ओह धन्यवाद रोबोट जी, धन्यवाद। उसे कोई आइडिया नहीं है कि अब उसके साथ क्या होगा। हाँ यार, ओह कितना सारा सॉस, ये कुछ ज्यादा ही तीखा होगा। बस रुक जाओ, मुझे और नहीं चाहिए। चलो अब खाओ। नहीं, ये टावर गिर रहा है। कितने अफसोस की बात है, यह क्या बकवास है। रुक जाओ, ठीक हो जाएगा। 1, 2, 3, वाह, ये तो मेरे फेवरेट मैक्रून है। मुझे भी ये बहुत पसंद है। और मुझे सबसे बड़ा वाला मिला है। उफ, जो भी हो, मैं पहले खाऊंगी। चलो फिर। वाह, हमेशा की तरह लाजवाब स्वाद है। मुंह में पिघल जाता है। बेशक पिघल जाएंगे, इतने छोटे जो हैं। एकदम सही कहा इथन, तुम्हें बस जलन हो रही है। गले में फंस गया। अरे मेरे ऊपर क्यों फेंका? जूलिया, अब तुम चलो। हाँ बिल्कुल, इसकी खुशबू तो कमाल की है और स्वाद तो मैं बता ही नहीं सकती। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। वाह, ये तुमने कितने प्यारे इयररिंग बनाए हैं। और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। ओह, ये दोनों भी ना। अरे, इन इयररिंग को तो सच में खा सकते हैं। अब मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। लेकिन देखो, किसी ने उसे काट लिया है। क्या? कहाँ? ये करने की हिम्मत किसने की? यह तो मैक्रून था, इसे खाना ही था। ओह, और वैसे मेरे पास भी आइडिया है। क्या होगा अगर इसमें एक बढ़िया मिल्क शेक बनाया जाए? पर पहले इसे थोड़ा तोड़ना होगा कि यह ब्लेंडर में अट जाए। यह बहुत अच्छा होने वाला है। क्या तुम दोनों यह देख रही हो? यह नीले रंग का कॉकटेल कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ऐसा लगेगा कि मैं खा भी रहा हूँ और पी भी रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। तुम्हें पता है क्या, हमें भी प्यास लगी है। हाँ सच में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा।
कितना लालची है, काश उसका स्वाद बेकार निकले। इस बार हमारे पास क्या है? ये पैकेट कितना छोटा है, मेरा तो न कम न ज्यादा, मैं इसके साथ खुश हूँ। तुम तो वो बस कह रहे थे क्योंकि तुम्हें वो बड़ा वाला नहीं मिल पाया मेरी तरह। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी मैं बहुत ही निराश हूँ, लेकिन जो है सो है, अब खाने का समय है। समय बर्बाद करके कुछ नहीं होगा, मैं सारे एक ही बार में खा जाऊंगा। मुझे तुम्हारा यह तरीका पसंद आया, मैं भी यही करूंगी। मुझे थोड़ा देना, ये लो मेरे पास। अजीब है, सारी कैंडी कहाँ गई? लगता है तुम्हारा उस पैकेट में सिर्फ हवा भरा हुआ था, 3 M&M के साथ। कुछ भी नहीं मिलने से तो बेहतर है। चार्लेट, देखो जूलिया को सिर्फ 3 टुकड़े मिले हैं। हाँ हाँ, तो बदकिस्मत सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। हाँ हाँ, हंस लो, मुझे M&M उतने पसंद भी नहीं है। फिर तुम्हें क्या लगता है, मुझे बहुत सारे मिलेंगे? वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे वाह, सबसे छोटे पैकेट में सबसे ज्यादा था। जो भी हो, पूरा टेबल इसमें ढक गया है। खाओ तुम दोनों, सबके लिए।